इब्राहिम साहब यह भी तो पाकिस्तान की तारीख रही है ठायल कानून भुट्टे साहब का वी वरी उन्होंने ही कंध में पवंदा एक डिघी तारीख है। सो हाँ जैसे हि सीनियरिटी वो नुक्त जैसे खत्म कर सीनियर जरूरी को चीफ जस्टिस थे अड़े किस्म की भी तरमीम होंगी अंत ड्राफ्ट पब्लिक न थो जी ही रोटेशन वो मामलो आने जजन की मर्जी का सिवा भी हुकूमत जैसे चाहे जिते लगे सके थी जै बेंच में। सो हि सीनियरिटी वो जो केस हिंसा तक हलो पे जो सीनियर होंद वो ही चीफ जस्टिस थी शे भी खत्म थी सके थी नए पैकेज में बिल्कुल अरणी तरमीम चवान तो अरणी तरमीम के जरिए यो थो हो तो जो सीनियर तरीन जज हों सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हों पर हाँ जैसे सीनियर जज के अग में कें पार्टी से एफिलेटेड थी वे हलो पार्लियामेंट के भंग कर छे उन सीनियर जज के लिए सुप्रीम कोर्ट जहाँ ब जज चई छन जो तो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया है या जो तो जो है वो पैरामीटर में ही नो अचे तो पार्लियामेंट छा करे पार्लियामेंट जो तो कम आए ही जैसे जज सियासत कह तो सियासतदान जो कम ही वो रो तो वो तो पार्लियामेंट से रुजू कदान बाकी जी एक्सटेंशन वो मामलो तो कादी इनकार एक्सटेंशन वो लफ्ज घट में घट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए आयन में आए ही को एग्जीक्यूटिव पावर जरिए जो तो कर ही नो सके वजीर आजम या को सदर छकान जो तरमीम जो वादे है उन्हें करे एक्सटेंशन वाली उन गाल जे पैरामीटर में कई भी या कई आला न कई चीफ जस्टिस वो ऑफ द रिकॉर्ड जुमलो खड़ी को या फैलाए वही गाल जो मकसद यह है तो इन ही तरमीम के जरिए बिल्कुल जैसे पैकेज पूरा है तो वह तरमीम भी थी सके थी जो नॉमिनेशन होंगी वह नॉमिनेशन जो अख्तियार पार्लियामेंट के होते चीफ जस्टिस के नॉमिनेशन जो या तरमीम जो अंडू थी वापस थी जो सीनियर मोस्ट सीनियर तरीन जज हों चीफ जस्टिस इन ही पैकेज में जो सीओडी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नुक्त हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है वो अलग होजन घुर्ज मुख्य लगे तो थी सके तो वह भी अमेंडमेंट थी वे कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है उन के अलग कर जो उनकी कोर्ट अलग हुए वो मामला अलग ही हि जज तवजा सब सियासी से थो वन उनके आम साहिलन उनके वक्त ही नो मिले रुगो एक बे मथा जो दरख्वास्तू सियासी जमायतों तक उनकी एफिलेशन थी वन उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट छे उन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रुगो जज ये न होजन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ बया माहिर मुख्तलिफ शोबन जहाँ वो मू मुमकिन मतलब समझा तो यो पैकेज में थी सके तो हो जाए सही। अच्छा हाँ पा एंडिंग ना वो मालिक साहब तो कें दिसो तो हि जो भी तरमीम थे पे या जो पैकेज अचे तो उनसे मामला वहाँ के लगे पे बेहतरीन वींदा या जो हिंसर बोहरानी कैफियत पैदा कई वही है असं खी चौं इलेक्शन का अग में हुई इलेक्शन थियण से पे तो ये बोहरान खत्म थो वो बेहतर वो सो इन बेहतरी इंदी या वहाँ लगे तो जो चल सो चल एक किस्सो पो हल वरी के मूँ उनके चैलेंज कह यो किस्सो पो हल का बेहतरी नहीं इंदी इो ही तो सर कंसर्न है नसी साई इो ही तो कंसर्न है वे में वो तो बेहतरी इंदी इो ही तो अस चू पो तड़े किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल असो है इसा से ऑब्जेक्शन तो भाई उन में तो अमेंडमेंट आनो एडो वो सिंध में हंगामो खड़ो थो है सही थो है पर अस जिथे जैसे चीफ जस्टिस जैसे वो एक सीनियर तरीन थे पे तो उन्हें अस ऑब्जेक्शन है तो वो उतें भी कहीं ही थो न सो मुझे ख्याल है असंके थोड़ा ऑब्जेक्टिवली शेयर के दिसण की जरूरत है जैसे अड़े किस्म जो फैसलो किया वो भले जी न्यूट्रल मानू आन छो तो मुझे तालुक रो लॉ फैकल्टी से तेरे न्यूट्रल लॉयर्स वा सीनियर लॉयर्स कें भी पार्टी से उन्होंने तालुक न होने का तुम पुछो तो मंसूर अली शाह जो कंडक्ट जैसे वो लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस हो इतने अचान का रो है इज अपराइज जो है जस्टिस है जैसे उन्होंने हि ना रखन उन्होंने समझन था वो असाज थ्रेट है हि समझा तो कोर्टन से हथ चुरांद वाली कैफियत होंगी छो तो कोर्टन के भी जैसे ना चाहे पार्लियामेंट से भी तुम करो पाया कोर्टन से भी तुम करो पाया इलेक्शन कमीशन भी तुम्हारी सफा ये जो पार्टी लगी पे है पॉलिटिकल विंग लगी पे है पैनल्स में फैसला अचन को पाया तड़ी अपोजिशन पार्टी के जो है सो पॉलिटिकल प्रोसेशन जलसा उनकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उन पाबंदी है तो जाहिर है तोड़ी घुट तो थी ना घुट तुम सवाल किया है उन्हें सा मसला हल था मुझे ख्याल है मसला हल को पर मसला बेहतर खराब थी सो मुझे ख्याल है जो को है सेंस प्रिवेल थे सही इब्राहिम साहब मुख्तसर इन राय तो मसला जी, या
साईं बिल्कुल सही ॻाल्हि कई त 2018 खां पोइ जेको कुझु थियो हो समूरा इदारा इहो सॼो त उन जे हवाले सां जेका साईं ॻाल्हि कई आहे ऐं उन सां बिल्कुलु इतफ़ाक़ थी करियां।